वर्ड इज अपज द पानू बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो सो गाइस आप लोगों के यार बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार टी फोर यार मार्केट से कहाँ गायब हो चुका है मतलब एक तो तरह से किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं है और जहाँ शॉप पे अवेलेबल है वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मिल रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं भैया से भैया क्या चल रहा है इसका सीन मतलब क्यों नहीं मिल रहा है एक्चुअली uh, क्या है कि ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं अभी ये वाले टी सीरीज वाले ये अभी अभी, अभी नए आए थे और इनका स्टॉक ऑलमोस्ट अब देखने को ख़त्म मिल रहा है आपको मतलब लाइक मार्केट में अब ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं बट स्टिल कुछ पीसीज हम अवेलेबल करवा सकते हैं कस्टम के लिए जो हालांकि जो पुराना प्राइस था हमारे पास उस पर कवर नहीं हो सकता अभी स्टिल बट हम बेटर प्राइसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को तो अब बात करते हैं भैया इसका क्या प्राइस चल रहा है इस समय मार्केट के अंदर आ, इसका प्राइस जो है अराउंड अराउंड आपको एट थाउजेंड के आसपास देखने को मिल जाएगा अभी मार्केट के अंदर वेयर जो हम दे रहे हैं अभी ऑर्डर अगर कोई करता है तो हम सात हज़ार आठ सौ रुपये का उसको दे सकते हैं और सात हज़ार पाँच सौ रुपये का विद पीसी बिल्ड हम दे सकते हैं तो अगर इस पी बिल्ड की वीडियो हमने ऑलरेडी शूट कर ली है आप देख चुके होगा अगर जिसने नहीं देखी है तो यार आई बटन में यार आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके चेकआउट कर सकते हो बीस हज़ार रुपये जिसका भी बजट है और एक यार बजट गेमिंग ओरिएटेड पीसी बिल्ड करना है तो आप वो कर सकते हो बीस हज़ार रुपये के आसपास तो भैया बात करते हैं कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड कि गेमिंग में हमें क्या परफॉर्मेंस दे सकता है तो हम बेसिक ग्राफिक कार्ड से स्टार्ट करते हैं आपका जी टी जो होता है जिसके अंदर आप गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद आता है जी टी जो आपकी हल्की फुल्की गेमिंग करा सकता है बट इतने अच्छे लेवल एक्सटेंट पर नहीं करा सकता इसके बाद जो एक ग्राफिक कार्ड आता है वो टेन थर्टी आता है आपका जी टी टेन थर्टी वो आता है डीडिया थ्री एंड डीडिया फाइव के अंदर और उसकी अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है आपको बट उसका जो सक्सेसर अब जो आ गया है एक मार्केट के अंदर टी फोर हंड्रेड वो आता है आपका जी डी डी आर सिक्स मेमोरी के साथ सेम कूड़ा कोर्स होते हैं दोनों के अंदर बट ये जी डी सिक्स मेमोरी के साथ आता है और इसकी क्लॉक स्पीड्स वगैरह थोड़ी सी हाई है उनसे तो भैया जैसे हम ये तीन ग्राफिक कार्ड रखे हैं हम इसे कंपेयर करते हैं जो ये हमारा सबसे पहला ग्राफिक कार्ड है जी टी सेवन थर्टी हाँ। तो इसमें जो लोग बोलते हैं कि एक बस डिस्प्ले के लिए कार्ड होता है इसमें जैसे थोड़ी बहुत गेमिंग करा देता है ये ग्राफिक कार्ड और इन दोनों कार्ड में क्या सिमिलर मतलब डिफरेंस हमें मिल जाएगा बेसिकली अगर हम कंपेयर करें इस कार्ड को जी टी को और जी टी को तो इसमें जी टी टेन थर्टी अच्छा परफॉर्मेंस देता है वेर एज जो जी टी टेन सेवन थर्टी है वो आपकी परफॉर्मेंस देता है बट लेकिन इतनी अच्छे एक्सटेंड लेवल पे नहीं दे सकता जितना कि टी चार सौ हमें देगा तो अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे जी टी सेवन थर्टी से तो ऑबियसली ये टी फोर हंड्रेड जो है ये अच्छा ग्राफिक कार्ड है उसके लिए नो डाउट और इसको हम इससे कंपेयर वैसे कर ही नहीं सकते हैं, हम जी टी टेन थर्टी से ही इसको कंपेयर करते हैं बेसिकली लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका भी क्या प्राइस चल रहा है जी टी सेवन थर्टी का जी टी सेवन थर्टी जो है वो समवेयर अराउंड फोर जी बी का जो वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाता है अराउंड अराउंड सेवन फाइव डबल जीरो से लेकर एट थाउजेंड रुपीज़ तक के आसपास का डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपनी कौन सी है कलरफुल वगैरह के आपको सस्ते मिल जाते हैं गैलेक्सी के सस्ते मिल जाते हैं वेरेंस जो एक और कुछ कंपनियाँ आई हैं जैसे कि आरवेक्स हो गया आपका आरटेक हो गया ये सारी कंपनियाँ जो आती हैं उसके आपको थोड़े से सस्ते भी देखने को मिल जाते हैं बट लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकता वेरज उसका जो प्राइस होता है वो भी सेम ही होता है टी चार सौ के बराबर ही होता है बट लेकिन अगर जी टी टेन थर्टी को लें हम तो जी टी टेन थर्टी जो है वो समवेयर अराउंड आपको नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड के आसपास देखने को मिलता है दो जी बी का वेरियंट और एज जो ये टी फोर हंड्रेड है ये उसकी परफॉर्मेंस को बीट कर देता है टेन थर्टी की और आपको अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जी टी डेस्ट सिक्स मेमोरी का यूज़ हुआ हुआ है जो कि एकदम लेटेस्ट है आपको लाइक आई टी सीरीज के कार्ड में भी देखने को मिल जाती है जी डी एस सिक्स अब मेमोरी आ चुकी है अब तो समवेयर अराउंड समवेयर अराउंड ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा जिसमें अब हम बात करते हैं गेमिंग की परफॉर्मेंस के लिए टी फोर हंड्रेड पर फोकस करके तो हमने लिस्ट बना रखी है हमने सारे गेम टेस्ट कर लिए हैं तो अब उसको अगर हम बताऊँ मैं आपको तो वैल्यू में आप देख सकते हैं कि वन प्लस एफ आपको ये देगा वेलोरेंट में ही आपको 150 फिफ्टी प्लस एफ पी एस देगा वेर एस आपकी फॉल आउट फोर गेम होती है उसके अंदर आपको 60 प्लस एफ देखने को मिल जाएंगे ऑन टेन एटी पी टेन एटी पी हाँ टेन एटी पी पे है ये सारी गेम है और इसमें जी टी फाइव हमारी कॉमन गेम है जो लोग कहते हैं चलो जी टी फाइव बता रहे फिर भी हम बता ही देते हैं उसके क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर ही है लोग वही हाँ, खेलते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसके अंदर क्या है ना कि अभी आपको ना उसमें अकाउंट्स मिल जाते हैं जो ऑनलाइन वाले होते हैं चीप अकाउंट मिल जाते हैं जो पिक गेम्स पे एक बार फ्री हो गई थी वो वाले Hmm. तो एज हम अकाउंट वकाउंट नहीं बेचते हैं, बट लेकिन हाँ मिल जाते हैं आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे किसी पेज वगैरह पे कोई बेच रहा होगा वेंडर तो उसके बाद मिल जाते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे हंड्रेड प्लस एफ आराम से इसमें देखने को मिल जाएंगे टी अगर आप यूज़ करोगे एज जो हमने मशीन बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले जो वीडियो हमने डाली थी उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो i5 फाइव थर्ड है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो भी आपको 100 एफ देखने को मिल जाते हैं GTA 5 के अंदर अब दूसरी गेम करते हैं आर डी आर टू जो कि रॉक स्टार की ही गेम है Red हाँ, Red Red उसके आपको 45 और उसके डिमांड ही मेरे ख्याल से अगर आप लगाओगे तो ही ज्यादा अच्छी चलती है वेरस जो ये टी फोर हंड्रेड है एक बात और बताता हूँ टी फोर हंड्रेड जो है ये आर टी एक्स अनेबल्ड कार्ड होते हैं इसमें आर टी एक्स होता है केपेबल है ये डी एल एस एस और आर टी एक्स इसके अंदर दोनों का ऑप्शन होता है बस आपको ड्राइवर्स वगैरह डालने पड़ते हैं और उससे वो ऑन हो जाता है और अगर हम दूसरी बात करें गेम की तो ये कॉल ऑफ़ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर एक गेम आती है और कॉल ऑफ़ ड्यूटी की वो वाली आती है इमोलेटर वाली उसमें भी आपको आराम से सिक्सटी प्लस एफ देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इम्यूलेटर केपेबल होता है अपना सिक्सटी से लेकर वन ट्वेंटी तक आपको दे सकता है उसकी सेटिंग्स में होता है तो वो तो खैर टेक्निकल हो जाएगा पूरा का पूरा लेकिन हाँ अच्छे खासे एफ आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं उसके अंदर भी अब चलते हैं अपना साइबर पंख जो कि मतलब 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 एकदम ऑप्टिमाइज़ नहीं है वो खैर लेकिन आज उसके अंदर भी आपको फोर्टी एफपीएस के आसपास देखने को मिल जाती है ये किस पे, पे? ये 1080p पे, 1080p 1080p सेटिंग पे टेन ए टीपी लो सेटिंग के लिए उस तक की क्या सेटिंग हो जाएगी आराम से फिफ्टी सिक्सटी एफ पी एस आपको फिर दे देगा उसके अंदर लास्ट गेम चलते हैं अपनी मोस्ट लव मतलब किड्स के लिए जो होती है फोर्टनाइट नाइट पर चलते हैं वो भी आपको हंड्रेड हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड टेन एफ पी एस आराम से देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर भी एज जो इसके लोज होंगे हार्डली दस एफ पी एस आप लो कर सकते हो जो मतलब ड्रॉप uh, डाउन होता है कि मतलब वन परसेंट लो बोलते हैं उसको वैसे हम तो उसके अंदर भी दस एफ पी एस कम देखने को मिल जाएंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा तो गाइज ऑल एंड ऑल सारी गेम्स इस चल जाएगी जैसे मैं कुछ और गेम्स भी ऐड कर देता हूँ वॉच डॉग हो गई फार क्राई फाइव हो गई थोड़े कम एफ पी चलेंगी लेकिन चलेंगी जरूर इस ग्राफिक कार्ड पर सपोर्ट कर देता है और भैया जैसे हमने सेवन थर्टी से कंपेयर किया तो एक ग्राफिक कार्ड यहाँ पे भी रखा है जिससे ऊपर परफॉर्मेंस वाला है टेन फिफ्टी तो इन दोनों में तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस का हाँ दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है इतना तो हम मान सकते हैं कि T400 थोड़ा सा कम है इससे टेन फिफ्टी से हाँ लेकिन ये है कि कम भी नहीं है ज़्यादा अगर आपको जी टी एक्स टेन फिफ्टी टी आई मार्केट के अंदर ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास देखने को मिल जाता है तो टी सीरीज़ का आप टी सिक्स हंड्रेड भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है वो मिल जाता है आपको तेरह हज़ार आठ सौ रुपये का विदाउट पी सी बिल्ट और विद पी सी बिल्ट वो पड़ जाता है आपको तेरह हज़ार पाँच सौ रुपये का गा। तो भाई उसकी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है ऑलरेडी आई बटन में उसका भी लिंक हम दे देंगे आप जगह चेकआउट कर सकते हो कितने का मिल रहा भैया क्योंकि उस समय तो प्राइस कम थे उसके लेकिन अब ज़्यादा हो गए नहीं पहले उसके मेरे तो ख्याल से प्राइस ज़्यादा थे फोर्टीन थाउजेंड समथिंग का था वो अभी हार्डली थोड़े से कम हुए हैं लाइक दो सौ तीन सौ रुपये उसमें कम हुए हैं बट स्टिल हाँ वो अच्छा ग्राफिक कार्ड है और कुछ लोग हैं मार्केट के अंदर जो आ, कहते हैं कि वो कैपेबल नहीं है टेन फिफ्टी टी आई से ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसकी तो मैं बता देता हूँ कि हमने जो गेम्स वगैरह टेस्ट करी हैं उसके अंदर हार्डली दो या फिर तीन एफ पी एस का हमें फ़र्क दिखा था वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेटिंग्स पर उसे यूज़ कर रहे हैं नो डाउट टेन फिफ्टी टी आई उससे हल्का सा बेटर हो सकता है लाइक फाइव परसेंट या फिर सेवन परसेंट बेटर हो सकता है बट लेकिन अगर आप बजट एस्पेक्ट से देखेंगे उसको तो कहाँ बीस हज़ार और कहाँ तेरह हज़ार पाँच सौ रुपये तो उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है तो आप उसको कंसिडर बिल्कुल करें टी सिक्स हंड्रेड एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है वो चार जी बी में आता है वो भी जी डी डेस्ट सिक्स होता है प्लस उसमें एक अच्छी बात यह है टी सीरीज़ के अंदर आर टी एक्स आपको देखने को मिल जाता है और जो इसमें डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो फाइव के डिस्प्ले आउट पोर्ट्स ले सकते हो आप चार इसके अंदर होते हैं तीन T600 और T1000 के अंदर आपको चार देखने को मिल जाते हैं फाइव के आउटपुट डिस्प्ले तो इस वीडियो को आप थोड़ा लास्ट में आ चुके हैं इस वीडियो के तो अगर भैया किसी को ये ग्राफिक कार्ड चाहिए कितने तक का मिल जाएगा अगर कोई जैसे बल्क में लेता है या फिर सिंगल कार्ड लेता है या फिर पीसी बिल्ड के साथ लेता है एक बार लास्ट में बता दो हाँ बल्क के ऑर्डर तो हम फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे क्या इस समय इसकी बहुत ज़्यादा समय डिमांड है सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि बजट में अगर किसी को बीस पच्चीस हज़ार का पीसी बिल्ड करना है तो कौन सा ग्राफिक कार्ड लें और सब बंदे यही प्रेफर कर रहे हैं मोस्टली शॉप पे आप अगर कोटेशंस लेने भी जाओगे ना तो वो भी ये बोलते हैं कि भाई अभी टी चार सौ ले लो, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और लेकिन वो भी ओवर प्राइस बेच रहे हैं नौ हज़ार दस हज़ार कहीं कहीं ग्यारह हज़ार का भी मिल रहा है इस समय तो यहाँ पे अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है आठ हज़ार रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा पीसी बिल्ड कराओगे तो सात हज़ार पाँच सौ या फिर अगर देख लेंगे भैया जो भी होने वाला है बिल्कुल जो भी बेस्ट सुटेबल प्राइस होगा उस टाइम पे हम कर देंगे तो गाइज दैट इज इट फॉर टूडे इस वीडियो गाइज हमने सारी बात कर ली बेंच मार्क्स से रिलेटेड कि कितने हमें आपको एफ पी से प्रोवाइड कर देगा और यार इस समय कुछ लोग भैया क्वेश्चन जैसे मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि पुरानी वीडियोस में जैसे कमेंट्स आते हैं उसमें हम दो तीन कमेंट्स इस वीडियो में हम उनके क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे भिल्कुल तो, तो लास्ट हमने जो टी सिक्स हंड्रेड की वीडियो बनाई थी तो उसमें दो तीन कमेंट्स आए थे एक ये जो टी सीरीज़ के कार्ड्स होते हैं अगर हम इनको जैसे जी सीरीज़ होती है या फिर आर सीरीज होती है उनसे कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस रहता है आप uh, बेसिकली जो ये कार्ड लॉन्च हुए थे ये क्वाड्रो से लॉन्च हुए थे तो इसमें वीडियो एडिटिंग की कैपेबिलिटीज बहुत हाई परफॉर्मेंस पे है वेर एज जो अब हम गेमिंग टेस्ट करते हैं इसके अंदर वो हम खुद ही करते हैं हमने खुद अपने पर्सनल रिक पे टेस्ट करे हुए हैं ये जितने भी गेम हमने बताए हैं इसके अंदर तो अगर हमने टेस्ट कर लिए हैं तो हम वो बता के ही बेचेंगे जो कि मतलब हमने टेस्टेड करा हुआ है ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं किसी और के बेंच वगैरह ले लिए या फिर कुछ है ये हमने गेम खुद टेस्ट करे हुए हैं और इसकी परफॉर्मेंस जो आई है हमने स्क्रीन भी कैप्चर्स कर रखे हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं वीडियो के अंदर और भी एक कुछ नहीं आता है कि जैसे अभी मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो आपके ओपिनियन से ग्राफिक कार्ड एम एस पे कम मिलना स्टार्ट होंगे एम एस पे अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइक अभी चाइना की वो हो गई है फेस्टिवल स्टार्ट वहाँ पे एक मंथली फेस्टिवल टाइप से होता है उनका वो उसे न्यू ईयर का कहते हैं तो अभी उसके लिए क्या होता है उसमें इम्पोर्ट जो होता है इंडिया के अंदर वो स्लो डाउन हो जाता है लाइक like बंद ही हो जाता है एक तरीके से तो एम एस आर पी वाला जो देखने को मिलेगा तब देखने को मिलेगा जब इंडिया के अंदर लाइक क्रिप्टो के थोड़े से हाँ ये काम हो जाएंगे कि मतलब माइनिंग वगैरह मशीन्स जो होती हैं या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी चाइना के अंदर और इम्पोर्ट मटेरियल यहाँ पर आना ज़्यादा चालू हो जाएगा तो प्राइस इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई लेवल पर आ जाएंगे उस टाइम पर हाँ। अभी तो कहना बहुत मुश्किल है कि लाइक like, अगर मैं आपको बोल भी दूँ मार्च एंड तक अगर मान लो आपके हो जाएंगे और स्टिल अगर कोई बूम आ गया क्रिप्टो के अंदर तो फिर प्राइस दोबारा से हाइक हो जाएंगे तो उसका अनसर्टेनिटी का लेवल बना हुआ है तो उसमें अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते कि हाँ भाई कब होंगे कैसे होंगे वेरा जैसे कि अगर आप दूसरी चीज़ों से भी इसके लिंक करेंगे जैसे कि कार ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उनको भी चिप्स वगैरह के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए उनके पास भी कमी है बहुत ज़्यादा और उनकी भी प्रोडक्शन्स वगैरह अभी क्लोज डाउन हो रखी है काफ़ी कम लेवल पे होती है तो ऐसा ही हमारे साथ भी है जो मेन चिप्स होती हैं जो सिलिकॉन फैक्ट्री वगैरह में बनती हैं तो उसमें अभी डिले है थोड़ा सा क्योंकि उनके पास खुद ही वो नहीं है रिसोर्सेज वग़ैरह गैदर करने के लिए प्लस वो चाइना वाला फेस्टिवल चल रहा है उनका तो इम्पोर्ट भी बन रहा है इस वजह से बस यही है थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है उसमें और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप यूज़ ग्राफिक कार्ड कब ला रहे हो न्यू मतलब और ज़्यादा स्टॉक <coughs> <थे। coughs> यूज़ ग्राफिक कार्ड एक्चुअली हम खुद ही चाइना से इम्पोर्ट करते थे तो अभी तो वो आना मुश्किल है मे बी इन नियर फ्यूचर लाइक वन और टू वीक्स के अंदर हम सोच रहे हैं कि कहीं और से मंगाना स्टार्ट करें जैसे कि ताइवान वगैरह से अगर वहाँ पे हमें कोई सप्लाई मिल जाता है तो हम आपकी नीड फुलफ़िल करने के लिए वहाँ से भी मंगा सकते हैं तो क्या जितने भी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे मैंने भैया को भी दिखाए थे व्हाट्सअप पर कि कितने कॉमेंट्स आ रहे थे कि कि मतलब यूज़ ग्राफिक कार्ड के वीडियोस लेके आओ तो अभी स्टॉक अवेलेबल इतना नहीं है यूज़ ग्राफिक कार्ड का मतलब एक दो ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं अगर आप अपनी नीड डाल देना कि जैसे हमें ये पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड चाहिए लाइक टेन सिक्सटी चाहिए आर एस फाइव सेवेंटी चाहिए टेन फिफ्टी टी चाहिए तो भैया आपको बता देंगे भैया वो आप बता उन्हें लाइक ये फाइव सेवेंटी वगैरह तो अवेलेबल हो जाएंगे जैसे कि अपना सेवन फिफ्टी टी हो गया नाइन सेवनटी कुछ लोग डिमांड करते हैं तो ये सारे अवेलेबल नहीं हो पाते बहुत मुश्किल है मतलब लाइक एक आधा कार्ड हमारे पास आ भी गया तो अगर एक कार्ड आ गया सपोज हमारे पास तो मांगने वाले दस बंदे हैं अब उसको कहाँ तक हम दे सकते हैं भाई यही बात है और टेन फिफ्टी टी आई तो आपको मिल जाएगा बट टेन फिफ्टी टी आई में कंसिडर नहीं करता क्योंकि वो यूज भी थर्टीन के का आता है और नया आपको ट्वेंटी के का मिलता है इससे बढ़िया आप टी सिक्स हंड्रेड नया वो ज़्यादा सेंस बनाता है अभी के टाइम पे तो गई अगर आपका बजट 12 से लेके 15000 के आसपास है तो आप T600 प्रेफर करो और अगर आपका बजट 7 से लेके आठ हज़ार के आसपास है तो आप ये प्रेफर करो तो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे इस वीडियो गाइज अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो यार मेक श्योर sure आप ये वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कर दे और अपने कमेंट्स यार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी uh, क्या मतलब कमेंट्स है इस कार्ड को लेके एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमेंट्स कव, uh, कवर करेंगे जो भी तो आप इस वीडियो में डाल देना नेक्स्ट जब जो भी ग्राफिक कार्ड की वीडियो बनाएंगे या फिर यूज ग्राफिक कार्ड की वीडियो बनाएंगे तो हम उससे उसमें से भैया उस से पूछेंगे कि आपके जो भी कॉमेंट्स होंगे तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में टिल देन पीस आउट